क्या कहा है सुनिए। राम बिन बेकार थी मोती की वो माला, चीर के हनुमान ने सीना दिखा डाला। राम बिन बेकार थी मोती की वो माला, चीर के हनुमान ने सीना दिखा डाला। एक दूजे के दिल में ठिकाना लगता है। किस किस के? प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज के। एक दूजे के दिल में ठिकाना लगता है, और ये तो कोई राम दीवाना लगता है। हो एक दूजे के ये तो कोई, ये बात मेरे साथ आप कहेंगे ना तो दातार जरूर सुनेगा। एक दूजे के दिल में ठिकाना लगता है, लगता है। एक दूजे के और ये तो कोई राम दीवाना लगता है। हो रघुवर का सेवक पुराना लगता है, रघुवर का सेवक पुराना लगता है। ये तो कोई राम दीवाना लगता है, हो रघुवर का सेवक पुराना लगता है। भक्ति का पावन खजाना लगता है, रघुवर का सेवक पुराना लगता है। ये तो कोई राम दीवाना लगता है, हो रघुवर का सेवक पुराना लगता है। ये तो कोई राम दीवाना लगता है। बालाजी महाराज की ध्यान से सुनिए, तालियां बजाकर सुनिए। जब अयोध्या का राजपाट बैठा, माता सिया ने बालाजी महाराज को मोतियों की माला दी, और भरी सभा में बालाजी महाराज मोतियों की माला तोड़ तोड़ कर बिखराने लगे। तब विभीषण ने कहा कि हे बजरंगी, क्या तुझे इस अमूल्य माला का मूल्य पता नहीं? तब बालाजी महाराज ने कहा कि जिस किसी वस्तु में मेरे प्रभु की छवि नहीं, वो वस्तु मेरे लिए किसी काम की नहीं। तब बालाजी महाराज ने क्या किया सुनिए। राम बिन बेकार थी मोती की वो माला, चीर के हनुमान ने सीना दिखा डाला। राम बिन जब सीना चीला तो अंदर प्रभु श्री राम की छवि निकली, तब सबके मन से एक ही बात निकली। एक दूजे के दिल में ठिकाना लगता है, एक दूजे के दिल में ठिकाना लगता है। और ये तो कोई राम दीवाना लगता है, ओ, 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 ओ।
संगत बैठी, एक बार तालियां बजाकर आनंद लीजिए ना, अभी तो कीर्तन प्रारंभ हुआ। और सुनिए, क्या क्या किया हनुमान ने श्री राम के खातिर, क्या क्या किया श्री राम ने हनुमान के खातिर, क्या क्या हनुमान के खातिर, क्या क्या किया श्री राम ने हनुमान के खातिर। अगर बालाजी महाराज ना होते तो कभी राम कहानी नहीं होती। क्या क्या किया श्री राम ने हनुमान के खातिर, क्या क्या किया हनुमान ने श्री राम के खातिर। मुश्किल शब्दों में बताना लगता है, मुश्किल शब्दों में ठिकाना लगता है। गोसाई जी ने मानस लिख डाली, क्या बालाजी महाराज ने जो काम किए वो सारे मानस में लिखे? सब कुछ लिखना संभव नहीं था, इसलिए जो बालाजी महाराज ने प्रभु श्री राम के लिए किया वो शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। मुश्किल शब्दों में बताना लगता है, ये तो कोई राम दीवाना लगता है। ओ, रघुवर का सेवक पुराना लगता है, ये तो कोई राम दीवाना लगता है। आवश्यकता नहीं है अगर प्रभु को पाना है तो। प्रभु को पाना है तो सीधा सा मूल मंत्र क्या, राम को पाना है तो हनुमान भज प्यारे, हनुमान को पाना है तो राम भज प्यारे, राम को पाना है तो हनुमान भज प्यारे, हनुमान को पाना है तो राम को पारे। अब हम वंदना किसकी कर रहे हैं? बालाजी महाराज की। तो जयकार लगाइए, बोल प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। जिस जिसको बालाजी महाराज को पाना है तो जयकार तो राम जी की लगानी पड़ेगी, और इतनी कम जयकार से बालाजी महाराज सुनने वाले नहीं। बोल भगवान रामचंद्र जी महाराज की। राम को पाना है तो हनुमान भज प्यारे, हनुमान को पाना है तो राम भज प्यारे, हनुमान को। ऐसा क्यों? ये रिश्ता जाना पहचाना लगता है, ये रिश्ता जाना पहचाना, और ये तो कोई राम दीवाना।